हेलो फ्रेंड्स आज हम आपको बिंदी से बहुत ही प्यारी सी राखी बनाना दिखाने वाले आम श्योर आपको बहुत अच्छी लगेगी तो एक पेपर के ऊपर हम इस तरीके से बिंदी को लगा रहे हैं ये पेपर थोड़ा हार्ड पेपर होता है जैसे आपका इनविटेशन कार्ड होता है ना वैसा ले लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा तो उसके अराउंड देखिए बिंदी के अराउंड यहाँ पर बॉल चेन लगा रहे हैं ग्लू लगाकर और फिर एक इसके अराउंड हमें क्या बनाना है एक फ्लावर जैसा बट यहाँ पर मैं एक ही कलर की बिंदी यूज कर रही हूं आप चाहें तो कलरफुल भी यूज कर सकते हैं और थोड़ा गैप हमने छोड़ा है ये क्यों छोड़ा है क्योंकि हमें इन हर बिंदी के अराउंड पॉल चेन को लगाना है तो अगर हम गैप नहीं छोड़ेंगे तो हमारे पास स्पेस नहीं रहेगा ना इसलिए थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ दिया है बस एक एक को लगाएंगे और कट करते जाएंगे केयरफुली तो इस तरीके से हमारा जो है ना एक सुंदर सा फूल जैसा बनकर तैयार हो रहा है एंड डोंट वरी ये जो ग्लू आपको भी नजर आ रहा है ना जब ये ड्राई हो जाएगा तो ये डिसअपेयर हो जाएगा अब यहाँ पर बॉर्डर बनाने के लिए हम पहले ग्लू लगा देते हैं और ये स्टोन चेन होती है और इससे बहुत ही सुंदर लगेगी हमारी राखी तो बस इसको यहाँ पे इसके राउंड चिपका देते हैं अच्छे से एक ही बारी में इसको हमें ज्यादा कट कर नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमारा ऑलरेडी सेंटर पार्ट बन चुका है और एंड में बस हम यहाँ कट कर लेंगे और इसे अच्छे से ड्राई होने देंगे और सेंटर में चाहे तो आप को स्टोन या बिंदी किस तरीके से लगा सकते तो मैंने बेस में एक बिंदी लगा कर उसके ऊपर एक स्टोन रख दिया मींस वो भी बिंदी थी और बस जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा ना उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे जो कि अगर आप वेट पर ड्राई करोगे तो आप डेफिनेटली खराब हो जाएगा आपका ये पैच तो इसलिए हम पूरा अच्छे से सूखने देंगे और फिर कट कर लेंगे है ना सुंदर सा बन गया और अब बनाते हैं हम डोरी डोरी बनाने के लिए मैं ऊन का इस्तेमाल कर रही हूँ जैसे कि उसमें रेड और ऑरेंज कलर की बिंदी का यूज किया था तो हम उसी कलर की थ्रेड ले रहे हैं मीन्स ये ऊन ले रहे हैं बस इसको एक तरफ से बांध कर हम चोटी की तरह बना देते हैं और हमारी जो है डोरी बनकर तैयार हो जाएगी है ना सिंपल वे और बस इसको भी अच्छे से बांध कर देते हैं ना ये राखी को स्कूल कॉम्पिटिशन में बनाओगे ना तो डेफिनेटली एक अच्छा सा प्राइज जरूर जीत जाओगे और देखिए एक और पेपर ले लेते हैं उसको सर्कुलर उसमें हमने कट कर लिया है तो यहाँ पर ग्लू लगा देते हैं जो बैक साइड होती है इसमें अच्छे से ग्लू लगा देंगे और हमारी डोरी को इसके ऊपर सेंटर देखकर रखना है और पीछे यहाँ पर जो हमने पैच बनाया था ना ये पेपर का उसको यहाँ पर लगा देंगे अगेन ग्लू लगा कर ताकि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए अब इसे अच्छे से हम ड्राई होने देंगे और हमारी राखी बनकर तैयार हो गई है है ना कितनी प्यारी सी राखी को ये बोली बोल नहीं सकता है कि हमने बिंदी से बनाया एंड आई एम श्योर आप अपने भाई के लिए बनाएंगे या किसी स्कूल कॉम्पिटि के लिए बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो कि बिल्कुल फ्री होता है मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय बाय